विरासत में मिली सियासत को संभालकर सत्ता में वापसी करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन हेमंत सोरेन ने झारखंड की सियासत के सारे कयासों को पलटकर दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। कहते हैं कि सादगी को ही सत्य मानकर हेमंत सोरेन ने सियासत और सत्ता दोनों को संभाल लिया। झारखंड की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव को झेलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद को सियासत के लिए नए तरीके से तैयार किया है, और फिर जो परिणाम सबके सामने आया वो झारखंड की जनता की ओर से चौंकाने वाला परिणाम था। 2014 से सत्ता में बैठी बीजेपी को पछाड़कर हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के सीएम बन गए हैं। किस्मत बहुत कुछ तय करती है। यह भी कहा जाता है कि हेमंत सोरेन के पहली बार सीएम बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल साल 2010 में जब वो अर्जुन मुंडा के साथ सरकार में शामिल हुए तो बीजेपी और जेएमएम के बीच एक डील हुई थी। इस डील के मुताबिक दोनों आधी आधी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। पहले आधे कार्यकाल में अर्जुन मुंडा सीएम बन गए और हेमंत डिप्टी सीएम बने, लेकिन बात बीच में ही बिगड़ गई। 2 साल 4 महीने 7 दिन के बाद यह साझा सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। हालांकि बाद में कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन देकर जुलाई 2013 में हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया, और इस तरह राज्य में पहली बार जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। राज्य में पहली बार सीएम रहते हुए हेमंत ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी काफी तारीफें हुई। बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के साथ साथ और भी कई ऐसे निर्णय लिए। के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जल जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे। हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन के असामयिक निधन ने पूरे सोरेन परिवार को एक वक्त में सदमे में धकेल दिया था। कहते हैं यहीं से हेमंत सोरेन के नेता बनकर उभरने की कहानी शुरू हुई थी। हेमंत के बड़े भाई विधायक दुर्गा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी कद्दावर नेता थे। साल 2000 में हेमंत सोरेन पहली बार निरसा विधानसभा उपचुनाव में उतरे। हालांकि बाद में उन्होंने एमसीसी यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति के उम्मीदवार के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। फिर 4 साल बाद साल 2004 के विधानसभा चुनाव में वो जेएमएम की परंपरागत सीट दुमका से चुनाव लड़े, मगर कोशिश नाकाम साबित हुई। अपने ही पार्टी के बागी उम्मीदवार स्टीफन मरांडी के खिलाफ हेमंत सोरेन चुनाव हार गए थे। उन्हें अपनी पहली जीत के लिए 5 साल तक और इंतजार करना पड़ा। फिर साल 2009 में दुमका सीट से उन्हें जीत मिली। हेमंत सोरेन राज्यसभा के सदस्य भी बने। दिसंबर 2009 में दुमका विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और फिर राज्य की राजनीति में पूरी तरह से जुट गए। अगस्त 10, 1975 को तत्कालीन बिहार में जन्मे हेमंत सोरेन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार की राजधानी पटना से हुई। इसके बाद उन्होंने रांची के बीआईटी मिश्रा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। हेमंत आगे की पढ़ाई को चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उनकी माँ रूपी सोरेन चाहती थी कि पढ़ लिख कर हेमंत आगे इंजीनियर बने। सोरेन परिवार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि हेमंत ने कभी राजनीति में खुद को फिट करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन वक्त बदलता गया, हेमंत सोरेन की कहानी उसी के समानांतर बदलती रही, और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि खुद के दम पर हेमंत सोरेन ने सियासत के सारे गणित को सुलझाकर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। अभी हेमंत सोरेन पर कई तरह के आरोप भी हैं। विपक्ष का कहना है कि सोरेन परिवार के कब्जे में कई ऐसी जमीनें हैं जिनकी वर्तमान कीमत करोड़ों में है। खासकर बीजेपी के मुताबिक
हेमंत सोरेन ने साल 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें कई तथ्यों को छिपा लिया गया था। हालांकि कागजातों पर भी गौर करने पर पता चलता है कि पिछले 10 सालों में हेमंत सोरेन की संपत्ति में गजब की बढ़ोतरी हुई है। हेमंत सोरेन की संपत्ति पिछले 10 साल में 11 गुना बढ़ी है। उन्होंने दुमका विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 8,11,00,000 रुपए बताई, जबकि 2009 के विधानसभा चुनाव में उनके पास कुल संपत्ति 73,57,000 रुपए थी। 2014 के मुकाबले भी अगर देखें तो उनकी संपत्ति में 2 गुना इजाफा हुआ है। उस समय उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 3,50,00,000 रुपए बताई थी। हेमंत सोरेन की शादी कल्पना सोरेन से हुई है। कल्पना स्कूल का संचालन करती है और दोनों 2 बच्चे के माता पिता हैं। बच्चों के नाम हैं निखिल और अंश। अभी हेमंत सोरेन को झारखंड की सियासत के लिए बहुत कुछ करना है। आने वाले दिनों में झारखंड की जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना होगा। राज्य में 5 साल तक सत्ता में रही बीजेपी के बाद सूबे के लोगों ने सोरेन पर भरोसा जताया है। खुद हेमंत सोरेन को जनता ने 2 सीटों से जीत दिलवाई है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है।